आई रहीम टूडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इजनरी ब्लैडर पास यू क्यू सबसे पहला स्टार्ट करते हैं मिलैकोप्लेकिया मलेकोप्लीके क्या होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है ड्यू टू तो अक्वाइड डिफेक्ट इन द फेगोसाइड फंक्शन यानी द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर जो कि फेगोसाइड के, के फंक्शन की खराबी की वजह से देखने को मिलती है खासतौर तौर पर ईकलाई या प्रोटीस वाले पेशेंट में और इम्यूनो सप्लस वाले पेशेंट में तो उसको मिलेकोप्लीके कहते हैं मलेकोप्लेके की ग्रोसली अगर देखा जाए तो ग्रोसली आपको येलो ऑरेंज म्यूकूजल लीजन देखने को मिलती है जो कि तीन से लेकर चार सेंटीमीटर इन डायमीटर होती है और लीजन के अंदर आपको क्या

नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं अच्छा यह है स्पेशल ऑफ फार्मिस्टाइटिस बाकी जो स्पेशल फार्मर स्टेशल जिसमें क्रॉनिक सिंड्रोम आ जाएगा क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम की डेफिनेशन होती है सेंसेशन जो कि पेन प्रेशर या डिस्कम्फर्ट हो जाता है रिलेटेड टू एनरी ब्लडर जिसमें यूरेनरी ट्रैक के सिम्टम छह हफ्तों से ज्यादा होनी चाहिए और कोई इफेक्शन या कोई आडेंटिफाइबल कॉज नहीं मिलना चाहिए सिस्टर्स को भी फाइंडिंग में आपको मीकूजल फिशर्स uh, देखने को मिल सकते हैं पंक्टेट हमरेजेस या ग्लू देखने को मिल सकती है और आपने रूल आउट करना है कार्डिनोम साइटू को इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो क्रॉनिक अल्सर है जिसको हनर

इसकी वजह से आपको यूरोथीरल कैंसर देखने को मिल सकता है दूसरा है दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है इंडस्ट्रियल एक्सपोजर टू द दरालामाइंस यानी नफथा नमीन जो तो का जो एक्सपोजर है नंबर थ्री जो हमेटोबियम का इन्फेक्शन की वजह से उसको और सरकार हो सकता है नंबर फोर लॉन्ग टर्म ऑफ एनर्जैसिक यूज इसकी वजह से हो सकता है हैवी लॉन्ग टर्म यूज ऑफ साइक्लोफोसोमाइड इसकी वजह से कैंसर देखने को मिल सकता है रेडिएशन की वजह से भी आपको देखने को मिल सकता होता है तो मैंने आपको रिस्क फैक्टर बता दी इसके के तो ये यूरोथिरियल ट्रांसिशन सेल कार्सिनोमा अच्छा ये यूरोथीरियल जो हमारे जो कैंसर होते हैं बिलटर के वो यूरोथिरल हो सकते हैं जिसमें नॉन इन्वेसिव हो सकते हैं इन्वेसिव हो सकती है अब इसके वेरिएंट है जिसमें माइक्रोसिस्टिक माइक्रोपेरी प्लाज्मा साइड बाकी डीनो कार्सिनोमा स्कोल सर कार्सिनेमा हो, हो sarco, man, सकता है हमारा ओके मिक्स कार्सिनोमा हो सकता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा हो सकता है आपका सारकोमा आपको देखने को मिल सकता होता है क्लियर अब वो पूछ रहे कि राइट डाउन द हिस्टोलॉजिकल पिक्चर हिस्टोलॉजिकल पिक्चर को सारा एक साथ पढ़ते हैं बाकी क्वेश्चन को देख लेते हैं ग्रेड पूछ रहा है ओके ग्रेड इसका कौन सा होगा ओके तो इसके जो ग्रेड होते हैं ना ग्रेडिंग ग्रेडिंग ऑफ नॉन इन्वेसिव यूरोथीरियल कार्सिनोमा ओके तो वो उसको ग्रेड को अपने दो में डिवाइड करना फ्लैट लेयन और एक्सोफिटिकरी लेन जो फ्लैट लेयन होते है उसको तीन में डिवाइड करना यूरोल पेप्रोलेशन ऑफ सर्टेन मलिग्नेंट पोटेंशियल सर, जिसको फ्लैट हाइपरप्लेिया है कहते हैं ओके इसके अलावा तीसरा जाएगा दूसरा आजगा यूरोथीरियलियलियलियलियल डिस्प्लेजिय और तीसरा यूरोथीरियल कार्सिनोम साइटू आ जाएगा जबकि एक्जोफिटिकेपलेरी लेन कहता है पैपिलोमा आ जाएगा ओके पैपले हाइपरप्लेजिया आ जाएगा ओके लो मेलिग्रेंट पोटेंशियल पैपलेरी यूरोथिलियल कार्सिनोमा लो ग्रेड को और हाई ग्रेड का ओके okay? तो ये आपको पांच चीजें देखने को मिलती है बाकी इसकी हिस्टोलॉजिकल रिस्क फैक्टर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ उसका रिस्क फैक्टर है इसके बाद है कि पैथोलॉजिकल स्टेज अगर लैमिना प्रोप्रिया के अंदर तो टी वा है अगर मस्कुलर प्रोक्रिया के अंदर तो टी टू आ जाएगा ओके टी टू एगे डिवाइड करते टू टी टू ए टी टू बी है ओके टी थ्री में पेरी वेजिकल सॉफ्ट टिश्यू आ जाएगा टी फोर में क्या चला जाएगा एक्स्ट्रा वेजिकल में चला जाना शुरू कर देगा लाइक प्रोस्टेटिक स्ट्रोमा सेमिनल वेजिकल यूट्रस को इन्वॉल्व करना शुरू कर देगा लिम्फ नोड के अंदर एन एक्स एन जीरो आ जाएगा एन वन का मतलब सिंगल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस है एम टू का मतलब मल्टीपल मेटास्टेसिस आ जाएगा एन थ्री का मतलब कॉमन एलिक को इन्वॉल्व करना शुरू कर देगा एम वन ए का मतलब होता है है लिमिटेड टू द लिम्फ नॉट बियॉन्ड द कोमन एलिफ नॉट जबकि एम वन बी का मतलब नॉन लिम्फ नॉट डिस्टेंट मेटास्टेसिस है क्लियर तो ये ऑलरेडी पूरी स्टेजिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया अब फोर मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न पूछ रहे हैं टाइप्स ऑफ ब्लडर कैंसर ठीक हो गया अभी हम सबको एक्सप्लेन करते हैं पहले हम लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं नेम द कॉजिस ऑफ पेनलेस हिमाचुर तो पेनलेस हिमाचरी मतलब कैंसर की वजह से हो सकता है बिना पैपिलोमा की वजह से हो सकता है स्कोमस कार्सिनोमा की वजह से हो सकता है यूरोथेलियल कार्सिनोमा की वजह से हो सकता है कार्सिनोमा की वजह से हो सकता है फ्लैट इनवेसिव या, या इनिवेरी कैंसर की वजह से हो सकता है अब आ जाती है मॉर्फोलॉजी ऑफ ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ओके अब इसकी मॉर्फोलॉजी को आपने डिवाइड करना होता है लाइक आपको उसमें पहले आ जाएगा पेपिलोमा आ जाएगा ओके अच्छा इसके जो पैटर्न होती है

एक्सोफिटिक होगा एक्सोफिटिक के अंदर फिंगर लाइक प्रोटोरियम देखने को मिलती है इसका जो कोर होगा वो लूज फाइब्रो वास्कुलर टिश्य का होगा उसकी जो कवरिंग होती है ट्रांजिशन लैपिथिलम से बनी हुई होती है इनवर्टेड के अंदर आपको नोड्यूलर देखने को मिलती है ओके इन द द्राइगो तो इसमें क्या होता है इमेजनेशन ऑफ कॉर्ड्स ऑफ इनटू द लैमिना लिपथील इसके बाद बारी आ जाती है हमारी पेपलेरी यूरोथिलियन न्यू प्लाजम ऑफ लो मेलिगिनन पोटेंशियल ओके जो हमारा प्रोलीफिलेशन है ना वो पैपलेरी हाईपर प्लेजियल लेकिन लो मेल, लो मेलिगिन पोटेंशियल के अंदर फाइब्रोवास्कुलर कोर होगा वन सेकंड यूरोथीम से कवर होगा लेकिन यूरोथिलियम थिक्क होगी ठीक हो गया और आपको यूनिफॉर्म न्यूक्लियर इलार्जमेंट देखने को बन सकती है फिर लो ग्रेड है लो ग्रेड के अंदर जो पैपले होते हैं हमारे फ्यूज ब्रांचिंग डेिकेटेड होते हैं ठीक है फ्यूजन आपको देखने को मिलती है साइटोलॉजिकल में जो पेपली ओगन को लाइन अंदर न्यू प्लास्टिक सेल के पोलैरिटी मेंटेन हो जाती है हाई ग्रेड के अंदर पोलैरिटी लॉस हो जाती है ओके न्यूल न्यूक्लियर रेटिपिया देखने को मिलेगा प्लियोमार्फिजम न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटोजिया देखने को मिलेगा बाकी इसकी जो इनवेजन है वो मस्कुलरिस प्रोप्रिया के अंदर लेमिना प्रोप्रिया के अंदर या पैरीवेजिकल या एक्स्ट्रा वेजिकल टिश्यू के अंदर हो सकती है जो मेटास्टेसिस होती है वो रीजनल लिम्फ नोड के जरिए होती है चाहे हाइट्रोजनस सेपरेट के जरिए लीवर लंग या बोन को इन्वॉल्व कर सकता है ये तो हमने पूरी मॉर्फोलॉजी तैयार कर लिया है बाकी ग्रेडिंग ऑफ यूरोथेलियल कैंसर ओके ट्रांजिशनल कैंसर तो ग्रेडिंग कैसे होती है पैपिलोमा आ जाएगा आपका ठीक है ओके एक्सोफिटिक हो सकता है एंडोफिटिक हो सकता है पैपिलेरी यूरो थीरियल न्यू प्लाजम ऑफ लो मेलीग्रन पोटेंशियल आ जाएगा ओके गे, लो ग्रेड और हाई ग्रेड आ जाएगा ओके और कार्सिनोम कार्सिनोम साइट साइटो है ये हमारे फ्लैट आ जाता है ओके कार्सिनोम क्या 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 होता है हमारा फ्लैट नॉन इन्वेसिव कैंसर आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा यूरोथिरल डिस्प्लेजिया और यूरोथिरल प्रोलिफ्रेशन ऑफ सर्टिन अन मिलीग्रेन पोटेंशियल जिसमें हमारा फ्लैट हाइपर आ जाएगा क्लियर तो हमने पूरा ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा पेनलेस पेनलेस यानी पेपिलोमा में यूरोल कार्सिनोमा में सेल कार्सिनोमा कार्सिनो रीनसल कार्सिनोमा फ्लैट नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा में देखने को मिल सकता है इन्वेसिव कार्सिनोमा, खासतौर पर पैपले वाला